और जो सबसे यूनिक और खास बात है कि वो यहाँ की ये केतली, इस केतली के अंदर निकलता खजाना। देखो यहाँ पे हमारी चाय की मेकिंग स्टार्ट हो गई है। सबसे पहले बहुत यहाँ पे डालने चीनी, और भाई अपने आप में बहुत ही यूनिक और अनोखी चाय होने वाली है, जिसके अंदर चीनी, दूध, पत्ती सब अलग से जाता है। ये सबसे पहले छोटे छोटे चीनी डाली जा रही है सबके अंदर, ये अब डाला जा रहा है दूध। और देखो दूध देखो कैसे मलाईदार हो रखा है एकदम। और देखो आमतौर पर जैसे दूध लिया जाता है ना भर के, पूरा दूध ऊपर तक नहीं ले जा रहा, थोड़ा थोड़ा दूध लिया जा रहा है हमें ग्लास के अंदर। और चाचा की एक बार स्पीड चेक करो किस स्पीड के साथ यहाँ पे काम चल रहा है। चाचा कितने ग्लास निकालते थे दिन में यहाँ पे? यहाँ कम से कम 150 दूध निकलता है। 100-150 किलो दूध तो भाई यहाँ पे निकल जाता है, 100-150 किलो दूध निकलता है। तो आप सोच सकते हैं किस क्वांटिटी में यहाँ पे चाय बनाई जाती है। और जो सबसे यूनिक और खास बात है कि वो यहाँ की ये केतली, इस केतली के अंदर निकलता खजाना। और ये देखो भाई साहब खजाना ये निकलनी यहाँ पे चाय पत्ती खजाना। जैसे कि चाय पत्ती आमतौर पर चाय के अंदर दूध के अंदर मिक्स करके बनाई जाती है, ये यहाँ पे बिल्कुल ही अलग कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर दूध, चीनी, चाय पत्ती सारे अलग से गर्म किए जाते हैं और फिर डाले जाते हैं। और ये देखो चाय को ऊपर तक पूरा भर दिया गया। और भाजी कितने देते हो एक गिलास? ये 10 रुपए का एक गिलास। और कोई 1/2 करवाता है तो 15 के 2। तो भाई देखो 10 रुपए में इतनी किफायती चाय होने वाली है, और ये आपको कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ मिलेगी और जामा मस्जिद के अंदर। वैसे बनारस के अंदर चाय बनाई जाती है, लेकिन जामा मस्जिद के अंदर मिलती है दिल्ली में। और ये देखो भाई साहब चाय पत्ती देखो पहले ऊपर तक आ चुकी है यहाँ पे, और यहाँ पे पानी अलग से भी निकाला गया है। तो भाई ये पानी किसे निकाला है इसके अंदर चाय पत्ती का? गिलास गर्म करने के लिए। गिलास गर्म करने के लिए। और अब देखो यहाँ पे चाय को पूरा अच्छे से घोला जा रहा है, ताकि फ्लेवर चाय और दूध सब अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखो भाई साहब चाचा की स्पीड देखो, किस शानदार तेजी के साथ काम चल रहा है यहाँ पे। ये देखो भाई साहब ये नज़ारा देखो यहाँ पे, पहले दूध को अच्छे से फेटा जा रहा है यहाँ पे, ताकि इसके ऊपर अच्छे से झाग आ जाए, और फिर ये झाग जो है ना फिर डाले आते हैं चाय के ऊपर। अच्छा एक कटिंग चाय है? 1/2 अच्छा 1/2 वाली है। और ये देखो ये जो झाग है ना ये डाला है अब चाय के ऊपर। और भाई मैंने कभी ऐसी चाय बनती नहीं देखी, अगर आपने बनती देखी तो कमेंट करके जरूर बताना कि कहाँ पे बनती है। और ये देखो भाई साहब कितना ऊँचा रहा भाई, कितना ऊँचा उछाल देते हो ये? 2-2.5 फुट, मेरे को तो लग रहा 3-4 फुट करीब उछाल दिया आपने लगभग। और ये देखो भाई साहब ये आ गया हल्का हल्का, थोड़ा सा चाय का पत्ती का पानी और डाला जाएगा ऊपर से, ताकि इसके अंदर एक कलर और फ्लेवर आ जाए ऊपर से, और देख तेज पत्ती के लिए। तो भाई जो कुछ भाई अपना तेज चाय पत्ती पीना पसंद करते हैं तो उसके लिए अलग से ऊपर से डाली जाती है। भाई तैयार हो गई चाय बिल्कुल? एक बार अपनी दुकान की टाइमिंग और लोकेशन बता दो, किसी भाई को आना तो कैसे आएगा? नाम बाबूलाल चाय वाला है, शॉप नंबर 158 चूड़ी वाला। और टाइमिंग क्या होती है? रात को 3 बजे सुबह रात को 1 बजे तक। मतलब रात को 3 बजे से सुबह 1 बजे तक? रात को 1 बजे तक केवल 2 घंटे के लिए बंद होती है। भाई साहब ये इकलौती मात्र पूरे भारत के अंदर एक ऐसी दुकान होगी जो सिर्फ 2 घंटे के लिए बंद होती है, बाकी पूरे दिन और पूरी रात चलती है 22 घंटे। तो भाजी पूरे 22 घंटे ड्यूटी कर लेते हैं यहाँ पे? नहीं, सबकी शिफ्ट अलग अलग है। अच्छा शिफ्ट वाट रखी है। मिले हैं ये बच्चे, हमें खड़े हुए देख रहे थे अच्छे। तो बेटा चाय पीनी है यहाँ पे आपको? अच्छा चाय नहीं पीनी है, बच्चे ने बोला कि हमारे को वीडियो में ले लो। तो भाई इन बच्चों के नाम पे पूरी वीडियो को शेयर करना, ठीक है बेटा? वीडियो को लाइक करने के लिए बोलो, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। चलिए बेटा थैंक यू बेटा। भाई देखो हमारी चाय आ गई है, जल्दी से फटाफट इसको टेस्ट कर लेते हैं और बताता हूँ टेस्ट में कैसी है। ये चाय ना आपको जो आमतौर पे आप चाय पीते ना उससे अलग चाय लगी है, क्योंकि ना इसमें चाय पत्ती का अलग फ्लेवर है, दूध अलग से उबाला गया, चीनी अलग से डाली है। तो भाजी हमारे यहाँ पे चाय एंजॉय करें, भाजी बताएंगे चाय कैसी है? आते रहते हैं यहाँ पे आप, और मतलब 10 रुपए की चाय, 10 रुपए पैसा वसूल। भाई 10 रुपए की चाय तो सब जगह आमतौर पर मिल रही है, इतनी खास यूनिक चाय होने के बावजूद इसका मात्र रेट जो रखा गया वो 10 रुपए। और भाई 10 रुपए ऐसी चाय मजा आ जाएगा आपको, जरूर आकर ट्राई करें। उम्मीद करता हूँ भाई आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।